What's up guys, welcome back to my channel, this is Rickky Thakur. बात करते हैं बिग बॉस के कल के एपिसोड की. कल के एपिसोड में क्या रहा खास? जी हाँ दोस्तों, नैना सिंह ने कैसे निकाला शार्दुल के ऊपर अपना गुस्सा और घर में लग्जरी बजट पाने के लिए जो टास्क हुआ डेविल और एंजल का, उसमें किसने किया सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्म, और कैसे जानकुमार शानू का गुस्सा निकला जैस्मिन की बाहों में. जी हाँ दोस्तों, हम एक एक मुद्दे पे बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं घर में नैना सिंह की, जो कि दिखाई नहीं दे रही है काफी दिनों से. तो मुझे लगा कि उन्होंने जो सुबह सुबह खाने को लेकर ड्रामा क्रिएट किया वो सिर्फ और सिर्फ फुटेज पाने के लिए था, और शार्दुल और राहुल को भी उसने इन्वॉल्व किया उसने, क्योंकि वो इसलिए भी मुझे लगा कि फुटेज पाने के लिए था. आप लोगों ने भी एपिसोड देखा होगा कि आप देखिए कि जो लोग सुबह सुबह खाने के लिए लड़ रहे हैं और उसके बाद कुछ घंटों बाद ही वो हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उनका गुस्सा, उनकी लड़ाई झगड़ा आप एक दो घंटे भी नहीं चलता है. तो इस वजह से लगा कि नैना सिंह ने जो भी किया, जो भी लड़ाई झगड़े उनके चल रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ फुटेज पाने के लिए चल रहे थे. बिकॉज रेड जोन के बाद जब से रूबीना वहां से निकली है, वहां पे कैमरा जा ही नहीं रहा, वहां से कोई फुटेज भी नहीं मिल रहा है. तो ये सारी चीजें होंगी. अब बात करते हैं टास्क की. टास्क में जिस तरीके से डेविल टीम थी, अली गोनी, एजाज खान और निकी तंबोली, ये डेविल टीम में थी, और एंजल टीम में थी रुवीना, पवित्रा और जानकुमार शानू और अभिनव शुक्ला. तो इन चारों को एंजल टीम में डाला. जैस्मिन थी घर के संचालक, और जिस तरीके से अली गोनी ने पूरा प्लान किया हुआ था कि हम डेविल हैं तो हम इस तरीके से इनको इरिटेट करेंगे, उन्होंने किया भी. जानकुमार शानू को बहुत ज्यादा तंग कर दिया गया था एजाज खान के द्वारा, जिसमें उन दोनों की आपस में लड़ाई भी हो गई. और मैं आपको बताऊं कि सबसे बढ़िया परफॉर्म किया अगर टास्क को तो वो थी रुबीना, क्योंकि रुबीना ने जिस तरीके से क्यूट सी हरकतें करी, सब लोगों को देखने में बड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा था. एज ए व्यूअर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एजाज ने, निकी ने बहुत ज्यादा तंग कर दिया था जान को और साथ साथ रुबीना को भी. अभिनव और पवित्रा दोनों बचे रहे, लेकिन उनको भी उन्होंने तंग करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी थोड़ा वो संभाल लिए और उन्होंने कुछ खास इतना ज्यादा अपना वो दिखाया, एग्रेसिव पार्ट नहीं दिखाया. बिकॉज वो एंजल टीम में थे तो एग्रेसिव पार्ट दिखा भी नहीं सकते थे. अदरवाइज मुझे लगा रुबीना ने ये टास्क को बड़े अच्छे से खेला, और जीत होती है वैसे डेविल टीम की, क्योंकि लग्जरी बजट उनको मिल गया, क्योंकि उन्होंने रूल तोड़वाए जान से बहुत ज्यादा. तो जैस्मिन भी यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगा कि बाइज्ड हो गई थी रुबीना के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारा तंग कर दिया गया था, और उसके चलते जैस्मिन और अली के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई, जो कि मुझे लगा कि जायज है, इतनी तो बनती ही है, क्योंकि अली डेविल टीम में है तो वो शायद कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें जैस्मिन के साथ सामने ऐसे रखेगा ही रखेगा. लेकिन जैस्मिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रही, उसने गेम को अच्छे से ही किया, हालांकि थोड़ा बहुत वाइल्ड होना ज़रूरी भी था. तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे से टास्क किया, और उन्होंने अपनी जो लग्जरी बजट जीती वो भी उनकी मेहनत थी. तो मुझे टास्क कुल मिला के देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. इसी बीच जानकुमार शानू बहुत ज़्यादा टूट गए थे, बिकॉज निकी और एजाज ने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था टास्क के दौरान भी, और टास्क के बाद भी उसको जो चीज़ें बोली गई, तो उस वजह से इतना ज़्यादा वो टूट गए थे कि वो जैस्मिन की बाहों में रोते हुए नजर आए. जैस्मिन की आदत है वो दिलासा देती है, और जिस तरीके से वो उसको दिलासा दे रही थी कि ये तो होता ही रहेगा और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तो जानकुमार शानू कहीं ना कहीं टूटते हुए मुझे नजर आए, क्योंकि एजाज से उन्होंने ये उम्मीदें नहीं की थी, निकी से तो उम्मीद भी नहीं कर सकते, वो कहां किसी भी हद तक वो गिर सकती है लड़की. तो मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा जानकुमार शानू को हम संपत्ति नजर लेते हुए नजर आ रहे थे सबसे. और इसके बाद होता है पवित्रा पुण्या को एक गिफ्ट हैंड पर मिलता है, एक टास्क होता है पेस्ट, टूथपेस्ट, डाबर टूथपेस्ट के जरिए, जिसमें कि कमेंट देने थे कि घर वालों को कौन सा टैग देना है. तो मुझे लगा कि जो टैग पवित्रा पुण्या ने एजाज को दिया था और जो टैग निकी ने जान को दिया था, दोनों ही इंटरेस्टिंग थे. हालांकि निकी वाले टास्क में जान ने रिजेक्ट कर दिया कि मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, और पवित्रा वाले टास्क में जो टैग में एजाज ने माना कि ठीक है अगर है तो है. तो मुझे लगा कि वो पवित्रा को गिफ्ट हैम्पर मिला, और बहुत अच्छा से घर का आज का एपिसोड शांतिपूर्वक निपट गया. और इसी तरीके से मुझे लगा कि अली का जो रवैया था, जो कि टास्क के दौरान वो डेविल टीम के साथ कर रहा था, और बाद में जो कि वो मुकर रहा था कि मैंने ये नहीं बोला था इनको करने के लिए, वो मुझे थोड़ा सा खटका कि अली घर में जब आएंगे तो इसकी हालत क्या होगी. अभी तो
ये राजा बन के बात कर रहा है, लेकिन अंदर आने के बाद शायद ही इसके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब कल के एपिसोड में क्या होता है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसी तरीके से मैं आपको कल के एपिसोड की भी अपडेट दूंगा, आज के एपिसोड की भी अपडेट दूंगा। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।